हाय, मैं अभी ब्रिज के ऊपर में हूँ और आपको अपना ब्रिज दिखाता हूँ। कैसे हम लोग यहाँ से मैनूवरिंग करते हैं, कैसे हम लोग अपना जहाज चलाते हैं। तो ये पूरा इक्विपमेंट्स देखेंगे तो फिर मैं पूरा बताता हूँ। यहाँ पे पूरा इक्विपमेंट्स लगा हुआ है, ये पूरा मतलब चार्ट्स एंड एवरीथिंग एवरीथिंग पुटिंग है। बाबा ये अपना रडार हो गया, उसके बाद में फिर यहाँ से हम लोग मैनोवरिंग करते हैं। ये पूरे कंट्रोल्स पैनल है, ये हम लोग का सीट है जैसे मैनोवरिंग करते टाइम पे, और डिग्रीज वगैरह सब यहाँ पे करते हैं। ये पूरा ब्रिज का है, यहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह बैठे रहते हैं मोस्टली। एंड ये चार्ट है यहाँ पे पूरा, मतलब ए टू जेड चार्ट हमारे रखे रहते हैं। जैसे हम लोग कभी भी सेलिंग करते हैं तो हम लोग को ये चार्ट यूज़ करना पड़ता है। ये हम लोग को ब्रिज के पीछे का हिस्सा है, जैसे हम लोग ऊपर से हम लोग देख सकते हैं कि पीछे की तरफ में क्या चल रहा है। और ये हमारे जी एम डी एस ए सेट्स हैं, जब समुद्र के अंदर सिग्नल्स नहीं आते तो हम लोग ये सारे सेट्स यूज़ करते हैं, और ये वाला फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, पर इसका काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है। ओनली फॉर जस्ट ऑफिस के लिए यार, इमरजेंसी के लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। और अभी हम लोग फुजेरा पोर्ट के आउटर एंकरेज पे हैं, फुजेरा पोर्ट के आउटर एंकरेज पे खड़े हैं, और यहाँ से हम लोग को कई शिप्स दिख रहे हैं जो एंकर पे हैं, और कई शिप्स आ रहे हैं जा रहे हैं। तो मैं अभी आपको एक शिप्स दिखाता हूँ जो कंटेनर है, उसके ऊपर में मोर देन 3,000 कंटेनर लोडेड है। वो जस्ट हमारे सामने से क्रॉस हो रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ एक मिनट। वो देखिए, ये सामने से ये कंटेनर आ रहा है, कंटेनर यहाँ पे आ रहा है, और इधर हम लोग खड़े हैं। ये साइड से ये एक शिप जो बल्क कैरियर है वो हमारे साइड में ही खड़ा है, वो भी एंकर पे। ये सारी एंकर पोजीशन है, और जो ये कंटेनर आ रहा है ये क्रॉस हो रहा है अभी सेलिंग पे। ये अभी जस्ट थोड़ा नज़दीक आएगा तो फिर और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। यहाँ से हम लोग का फॉरवर्ड का पूरा दिखता है, ये फॉरवर्ड मास्ट है, और समुंदर काफ़ी बढ़िया है। जब हम लोग आ रहे थे तो हम लोग को डॉल्फिन्स और डॉल्फिन का झुंड नज़र आया था, तो वो भी मैंने रिकॉर्डिंग किया हुआ है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और जैसे कि मैं बताया कि ये पूरा पिंक है, अभी देख सकते हैं कि सामने की तरफ में वो शिप आने वाला है, तो जैसे थोड़ा नज़दीक आता है तो फिर हम लोग और रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको और थोड़े से पॉज पे रखते हैं, इसको थोड़ा ऐसे। अभी ये हमारे काफ़ी नज़दीक आ चुका है। ये कंपनी का नाम है चाइना शिपिंग, चाइना शिप लाइन की है ये कंपनी, और मोस्टली इसके ऊपर में कंटेनर लोड है। अभी मैं थोड़ा बाहर जाके आपको अच्छे से रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। अभी मैं ब्रिज से बाहर आ चुका हूँ, और ये यहाँ से पूरा खुला समुंदर दिख रहा है मुझे। जो सामने शिप आ रहा है उसकी मैं रिकॉर्डिंग आपको करके दिखाता हूँ। गर्मी बहुत है और मुझे ये भी नहीं दिख रहा कि मेरा रिकॉर्डिंग कैसे चल रहा है, क्योंकि धूप की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरे में दिखाई तो वैसे पूरा दे रहा है, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा समुंदर है। ये देखिए सामने से, बहुत ही बड़ा जहाज है, दूर से ऐसे हम लोग को थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन मोस्टली इसके अंदर 3,000 के अबव कंटेनर लोडेड है, और ये चाइना का है क्योंकि नाम पूरा क्लियर दिख रहा है, चाइना शिपिंग लाइन का। थोड़ा इसको पॉज करता हूँ, उसके बाद में जब नज़दीक आएगा तो मैं आपको दोबारा क्लियर करके दिखाता हूँ। देखिए अभी ये नज़दीक आ चुका है, लेकिन तब भी हमारे से काफ़ी दूर है, तकरीबन 0.50 नॉटिकल माइल दूर है ये, इसलिए थोड़ा सा हम लोग को छोटा दिख रहा है। और गौर से देखिए, ये साइड से एक और जहाज उसके पीछे से निकल रहा है, इधर
इधर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, एक शिप आ रहे हैं दूसरी शिप जा रहे हैं, लोडिंग काफ़ी हो रही है इधर। और अभी मई के महीने में काफ़ी गर्मी है, पर हम लोग के लिए तो अच्छा है, एसी में बैठे रहते हैं, अल्लाह पाक के रहमो करम से कोई चीज़ की परेशानी नहीं है। और इस कंटेनर में चाइनीज लैंग्वेज में इसका नाम लिखा हुआ है टेनेक्स हांगकांग। और ये देखिए, अब ये शिप थोड़ा नज़दीक आया है और तकरीबन आप इसके पूरे कंटेनर देख सकते हैं कितने लोडेड हैं। और जो ये वाइट वाला हिस्सा है पीछे की तरफ में, जहाँ पे मेरी उंगली दिख रही है, यहाँ से ब्रिज है, यहाँ से मैनोवरिंग वगैरह होती है, यहाँ से शिप चलाया जाता है। कंटेनर आगे भी लोडेड है और उसको फिर स्टेबिलिटी करने के लिए कंटेनर पीछे भी लोड किए गए हैं। और जितने ही कंटेनर ऊपर लोड किए हैं उसके बाद में मोस्टली कंटेनर उसके नीचे भी आए हुए हैं, क्योंकि हच बंद हो जाता है उसके बाद में लोडिंग के लिए, वो नीचे आया रहता है। ये देखिए काफ़ी है, अभी ये तो कैमरे में भी नहीं आ रहा, इसको जूम आउट करता हूँ मैं थोड़ा सा तो थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए कैमरे में भी नहीं आ रहा, ये काफ़ी बड़ा है, सब लोग हाय वगैरह कह रहे हैं वहाँ से। देखिए पीछे से निकल रहा है और वो छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तकरीबन हमारे जैसे ही है वो भी, लेकिन हमारा शिप भी काफ़ी बड़ा है। हम लोग ब्रिज से, मतलब देखिए पानी काफ़ी नीचे की तरफ में है, ब्रिज से ऊपर है। ये एक और जहाज खड़ा है, देखिए ये सामने से निकल रहा है, बहुत ही बड़ा जहाज है।